नमस्कार दोस्तों, अनियमित कार्य खेत को कड़ी से कैसे नापेंगे और हेक्टेयर में जानेंगे, पूरा वीडियो को देखिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, इस तरह का यदि प्लाट है, ऐसे यहाँ से इस तरह का प्लाट है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 कड़ी नाप लिए और यहां से यहां तक की दूरी 120 कड़ी लंबाई को पहले नाप लीजिए, या चौड़ाई को 110 कड़ी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी 100 कड़ी और लंबाई यहां से भी ले लिए हैं। जहां जहां टेढ़ा हो वहां वहां पर ले लीजिएगा, नाप लीजिएगा। यहां 60 कड़ी है। अब हम इधर का देखते हैं दोस्तों, ये चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 80 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक 75 कड़ी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 कड़ी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 कड़ी और ये 40 कड़ी है दोस्तों। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 60 कड़ी है ये चौड़ाई, अब ये लंबाई यहाँ सके यहां से यहां तक की दूरी ये 60 कड़ी है दोस्तों, और ये यहां से यहां दूरी 55 कड़ी है। अब हम पहले लंबाई का औसत निकालेंगे दोस्तों, औसत निकालना सब जानते हैं। लंबाई यहां से यहां तक की दूरी 60 कड़ी, 100 कड़ी, 110 कड़ी, 120 कड़ी और 80 कड़ी, इसको औसत निकाल लीजिए। 60 धन 100 धन 110 धन 120 धन 80 बटे 5, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 बार हमने नापा है और 5 से इसको भाग दे देंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर 470 आता है और ये 5 से भाग दे देंगे दोस्तों, ये 94 कड़ी आता है। और इसी तरह चौड़ाई को कर लेते हैं, देखिए 55 कड़ी, 60 कड़ी, 70 कड़ी, 80 कड़ी है। चौड़ाई 55 कड़ी, 60, 70, 80 और ये 75, 50, 45, धन 40 और 1 2 3 4 5 6 7 8, आंकड़ों की संख्या 8 है तो ऊपर का जोड़ लीजिए, 475 बटे 8 आता है। और इसको जब भाग करेंगे तो 59.375 कड़ी। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इजी है। और यदि स्क्वायर कड़ी में स्क्वायर कड़ी निकालना चाहेंगे तो लंबाई गुणी चौड़ाई कर दीजिए, 94 गुणी 59.375 बराबर 5581.25 स्क्वायर कड़ी। इस तरह से आता है दोस्तों। अब हम इसको हेक्टेयर में निकालना जानेंगे। हेक्टेयर में निकालने के लिए दोस्तों लंबाई 94 है, 94 कड़ी है, इसको डबल कर लीजिए, 2 बार जोड़ दीजिए, 94 धन 94 बराबर 188 कर लीजिए। इसी तरह 59.375 धन 59.375 कर लीजिए, 118.75 आता है दोस्तों। अब ये लंबाई को डबल जोड़ के आया है, इसको और इसको दोनों को गुणा कर लीजिए, 188 गुणे 118.75, अबे 22,325 कड़ी आया, गुणा भाग और जोड़ किए तो। अब इसको 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से भाग करेंगे तो हेक्टेयर में निकल आता है दोस्तों, 0.022325 हेक्टेयर। यदि 3 डिजिट एंट्री रहता है हमारे इधर तो ये 0.022 हेक्टेयर है दोस्तों, ये हेक्टेयर है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करके सिद्ध करेंगे, जांच भी कर लेंगे। लंबाई 94 कड़ी है, देख लीजिए लंबाई 94 कड़ी है और 1 कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। तो पहले 94 कड़ी को इंच में बदलने के लिए 7.92 से गुणा करेंगे, 94 गुणी 7.92 बराबर 744.48 इंच आता है। अब इंच को सेंटीमीटर में बदल लीजिए,
मीटर में निकालने के लिए। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। हमारे इस चैनल में बताया गया है, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, 744.48 गुणी 2.54 बटे, इतना आया है दोस्तों, बटे नहीं है दोस्तों, ये गुणा करने पर आया है, सॉरी, इसको मल्टीपल किए, गुणा किए तो 1890.9792 सेंटीमीटर आया। अब इसको भाग कर दीजिए 100 से मीटर में निकालने के लिए। 1890.9792 को सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे तो 18.909792 मीटर निकल आया दोस्तों। ये लंबाई इतना मीटर निकल आया इस प्लाट का। अब चौड़ाई को निकाल लेते हैं। चौड़ाई को निकालने के लिए इसको दूसरे तरह से डायरेक्ट निकालेंगे। चौड़ाई है 59.375 कड़ी, इतना कड़ी है। एक कड़ी बराबर होता है, 20.1168 सेंटीमीटर। आप इंच में ना बदल करके डायरेक्ट इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। अब 59.375 गुणे 20.1168 कर दीजिए दोस्तों। कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेट करने पर निकल आता है 1194.435 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर निकल आया है दोस्तों। अब इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1194 सेंटीमीटर है, इसको 100 से भाग करेंगे तो बराबर आ जाता है 11.94435 मीटर। ये मीटर निकल आया दोस्तों। ये चौड़ाई का मीटर है, चौड़ाई इतना मीटर है और लंबाई का इधर है दोस्तों 18, तो ये दोनों को गुणा कर देंगे। 18.909792 गुणे 11.94435 मीटर, इसको गुणा करने पर निकल आता है 225.86517407752। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहीं मेरा कैलकुलेटर खराब ना हो। तो इतना निकल आया दोस्तों, 225 दशमलव इतना मीटर निकल आया। स्क्वायर मीटर है ये, स्क्वायर मीटर। अब ये स्क्वायर मीटर निकल आया है, इसको यदि हेक्टेयर में जानना चाहेंगे तो ये 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, 1,000, 10,000 से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 से भाग कर दीजिए। भाग करने पर आंसर आ जाता है 0.02258654 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर आता है दोस्तों। तो इसका भी हम 3 डिजिट लेंगे, जो एंट्री रहता है, तो 0.022 हेक्टेयर दोस्तों, इतना हेक्टेयर निकला दोस्तों। और पहले भी निकला था, कड़ी में कन्वर्ट किए थे, तो यहां देख लीजिए 0.022 हेक्टेयर। अब मीटर में चेंज करके निकाले, फिर भी निकल आया दोस्तों,
इस तरह से दोस्तों इजी तरीका से निकाल सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।